राज्य छोटी केंद्र विधानसभा उपनिर्वाचन जेखाने सबुज झड़ अन्यदिके महाराष्ट्र दिके आमादेर नजर रखते होच्छे कारण एगिए थाकार निरीखे मैजिक फिगार पार करलो बीजेपी महाराष्ट्र जेखाने 225 टी आसने एगिए बीजेपी जोट এবং 55 টি আসনে এগিয়ে রয়েছে কংগ্রেস জোট সরাসরি কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি মৃত্যুঞ্জয় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন মৃত্যুঞ্জয় জি যে লেটেস্ট আপডেট মিল রহা হে ম্যাজিক ফিগার ক্রস কর চুকি হে বিজেপি ভাজপা ক্রস কর চুকি আবি কি মিল রহা হে আপকো আপডেট बिल्कुल देखिए महायुति जो एनडीए गठबंधन है बीजेपी गठबंधन वो मैजिक फिगर क्रॉस कर चुकी है और एक रिकॉर्ड जीत की तरफ महायुति बढ़ती दिख रही है। जो अब तक के रुझान सामने आए हैं 288 महाराष्ट्र विधानसभा की सीटें हैं जिसमें से 220 के से ज़्यादा सीटों पर महायुति यानी बीजेपी शिवसेना शिंदे और अजीत पवार की एनसीपी के विधायक ज़्यादा लीड कर रहे हैं उनके जो उम्मीदवार हैं वो ज़्यादा लीड कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी मैसिव लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ महायुति यानी एनडीए बढ़ती हुई दिख रही है। और रही बात बीजेपी की करें तो बीजेपी ने 148 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। चार सहयोगी दलों को जो टिकट दिया था उनको भी बीजेपी का ही सिंबल दिया था यानी 152। उस 152 सीट पे से 122 से ज़्यादा सीटों पर 122 के आसपास सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। ये कहीं ना कहीं मैसिव लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है। पूरे महाराष्ट्र के भाजपा के इतिहास में बीजेपी ने इतने ज़्यादा सीटें कभी नहीं जीती। 2014 में जब मोदी लहर था तभी भी बीजेपी ने मैक्सिमम 122 सीट जीती थी लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 122 से ज़्यादा सीटों पर बढ़त बनाकर रखी हुई है। मैं थोड़ा आपको तस्वीरें भी दिखा दूं। मैं हूं महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में। ये उनका दफ्तर है, दफ्तर का परिसर है और देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है। ये महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दफ्तर है, ऑफिस है, कोई भी नेता मौजूद नहीं है। सिर्फ एक प्रवक्ता है जो दफ्तर में बैठकर न्यूज़ चैनलों पर डिबेट कर रहे हैं। बाकी देखिए जितने भी दफ्तर के कमरे हैं वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है, ना कोई कार्यकर्ता है, ना कोई नेता है, ना कोई उत्साह है, ये पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। जरा मैं मीडिया रूम की भी तस्वीरें आपको दिखा दूँ कि देखिए तैयारी की गई थी कि कुछ जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, तो जरा ये मीडिया रूम के कमरा भी आपको दिखा दें कि यहाँ सिर्फ हमारे जो मीडियाकर्मी साथी हैं वो कुछ साथी यहाँ पर बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई हलचल होगी, लेकिन देखिए कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, ना कोई नेता है, ना ही कार्यकर्ता है। तो यहाँ ये तस्वीरें बताती हैं कि चुनाव में कांग्रेस की क्या हालत हुई है। कांग्रेस जो कि 100 से ज़्यादा सीटों पर लड़ रही थी, 103 सीटों पर लड़ रही थी, लेकिन देखिए जिस प्रकार के रुझान आ रहे हैं तो यहाँ नेताओं को और कार्यकर्ताओं को समझ में आ गया कि विधानसभा चुनाव में वो जादू नहीं चला है। लोकसभा चुनाव में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया था एमवीए ने। 48 लोकसभा की सीटें थी, 48 में से 31 सीटें एमवीए जीती थी, 17 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए जीती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में एक मैसिव लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ, एक बड़ी जीत की तरफ महायुति जाती हुई दिख रही है जो हाल फिलहाल के पिछले कई दशकों के इतिहास में महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को नहीं मिला था। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, आखिर ऐसा क्या हुआ 5 महीने में कि तस्वीर इतनी बदल गई। लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस गठबंधन को 31 सीटें मिली, विधानसभा चुनाव में पस्त हो गए और मिलाकर 60 सीटें नहीं पार हो पा रहे हैं, तो आखिर वजह क्या रही। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं लेकिन जो मुख्य कारण निकलकर सामने आ रहा है कि बीजेपी ने जो नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी बात करते हैं, गृहमंत्री अमित शाह ऐसी बात करते हैं, यूपी के सीएम महाराष्ट्र में आकर योगी आदित्यनाथ ऐसी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में ये मैसेज गया है कि बटेंगे तो कटेंगे। दूसरा जो लाडली बहन योजना है, लाडली बहन योजना का बहुत लाभ महिलाओं को मिला और जो महाराष्ट्र के इतिहास में हम देखें तो 1995 के बाद में 2024 का ये विधानसभा चुनाव है जब महिलाओं ने खूब बढ़ चढ़कर वोट दिया और बहुत ज़्यादा मतदान में महिलाओं ने मतदान किया। तो क्या जो लाडली बहन योजना के लाभार्थी महिलाएं हैं वो घरों से बाहर निकली, उन्होंने मतदान किया और ये महायुति के पक्ष में मतदान दिया गया, ये एक वजह हो सकती है। हार जीत के कई कारण होते हैं लेकिन जिस प्रकार की महायुति की लैंडस्लाइड विक्ट्री दिख रही है तो कहीं ना कहीं ये कई कारण माने जा रहे हैं। बीजेपी का जो नारा था, सीट बंटवारे को बहुत सोच समझकर रणनीति बनाई गई, तीनों दलों में कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा देखने को मिला, तीनों जो दल थे एक दूसरे के लिए प्रचार करते हुए नजर आए। जबकि दूसरी तरफ हम अगर एमवीए की बात करें तो बहुत जगह पर वहाँ पर शिकायत आई कि उद्धव गुट के लिए कांग्रेस के लोग प्रचार नहीं कर रहे थे, कांग्रेस के लिए उद्धव गुट के लोग प्रचार नहीं कर रहे थे, शरद पवार अपनी सीटों पर फोकस करके रखे हुए थे। तो वो कोऑर्डिनेशन जो लोकसभा चुनाव में नजर आया था वो कोऑर्डिनेशन विधानसभा चुनाव में एमवीए का नजर नहीं आया। बात करें हम महायुति की,
तो देखिए किस प्रकार से शिंदे का परफॉर्मेंस है, किस प्रकार से अजीत पवार का परफॉर्मेंस है, बीजेपी जो 122 सीटों से पर लीड कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी ने इन्होंने अपने काम गिनाए आने वाले 5 साल में राज्य के लिए जो मुद्दे गिनाए और साथ ही साथ जो टिकटों का बंटवारा किया, और महत्वपूर्ण ये है कि जो लाडली बहन योजना चला है बहुत अच्छे से चला है, बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, कहीं ना कहीं ये मुद्दे जनता को छू गए और इसीलिए हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी जीत की तरफ एनडीए महायुति गठबंधन जीतती हुई नजर आ रही है। जी शुक्रिया मृत्युंजय जी।